कंप्लीट कोर्स वाली जो हम प्लेलिस्ट स्टार्ट कर चुके थे उसका आज डे 8 रहने वाला है। हालांकि हम 7 से 8 दिनों के बाद यहाँ पर मिल रहे हैं, नई वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन उसके बारे में वो पहले ही बता चुका था इतना गैप यहाँ पर रहने वाला है। फिलहाल जो भी है अब डे 8 तक पहुंच चुके हैं, आने वाली वीडियोस दोबारा से एक बार पहले की तरह कंटिन्यूसली आना स्टार्ट हो जाएंगी। कंप्लीट कोर्स के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, पुरानी वीडियोस अभी तक नहीं देखी है वहां पर जाके पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हो। आज मैथमेटिक्स का भी नया टॉपिक एक स्टार्ट होने जा रहा है, बाकी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, इवन व्हाट्सएप ग्रुप भी बन चुका है, आप वो ज्वाइन करना चाहते हो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी अपडेट होंगे वहां पर आपको जरूर मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ आज का टारगेट एक बार फिर से 2000 लाइक्स का रहने वाला, उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक करोगे, टारगेट अचीव करवाने में हेल्प करोगे। डे 8 तक पहुंच चुके हैं, अभी तक ये टारगेट किसी भी वीडियो में अचीव नहीं हुआ है, तो आपने अचीव करवाना है। मैं अपना काम करते जा रहा हूँ, आप अपना काम करते जाइए, वीडियोस को शेयर कीजिए, टारगेट अचीव करवाने में हेल्प कीजिए। और बाकी किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये कोर्स आपके काम आने वाला है। जो भी आपको मैं पढ़ाता हूँ जो ये कंप्लीट कोर्स के स्पेशल में बात करूँ, इनके बेसिस पर, इन टॉपिक्स के बेसिस पर आपका डेली टेस्ट भी चलता रहता है, हालांकि कुछ दिनों से रुका हुआ तो दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा, उसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहां पे जाके आप इस कंप्लीट कोर्स के परफॉर्मेंस टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ एक ही बार 99 रुपीज की या 100 रुपीज की पेमेंट करनी है। जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी उसका टेस्ट भी अपलोड हुआ करेगा, वो आपने टेस्ट वहां पे जाके अटेम्प्ट करना है। तो वीडियोज देखते जाओ, टेस्ट अटेम्प्ट करते जाओ, एक प्लेलिस्ट बनी है JKSSB एग्जाम क्वेश्चन के नाम से, जहाँ पे MCQ आते रहते हैं, वो भी देखते जाओ, तैयारी आपके अपने आप बूस्ट होने वाली है। और एंड में जब भी किसी भी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना, आपकी सिलेक्शन से वो कोई नहीं रोकने वाला है। और बाकी कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो रीजनिंग में जो हमने डायरेक्शन सेंस वाला टॉपिक स्टार्ट किया था उससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, दो और इम्पोर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चन से जो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन आज डायरेक्शन सेंस वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, इसके बाद और भी वीडियोस बनेंगे इस पर, अभी फिलहाल आज दो इम्पोर्टेंट कैटेगरी डिस्कस करनी है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा, किसी किसी के लिए क्वेश्चन बड़ा ईजी हो सकता है, किसी के लिए डिफिकल्ट भी हो सकता है, तो मुझे सबको लेकर चलना है, मैं हर एक कैटेगरी के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम। देखो डायरेक्शंस के बारे में कहा गया, आपको पता है इतना तो बेसिक अभी तक आप सीख चुके हो कि साउथ ईस्ट कौन सा होता है, ये बेसिक से क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अगर मैं डायरेक्शंस बनाऊं इस तरीके से, नॉर्दर्न साइड, सदर्न साइड, ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड, अब आपको इतना भी पता है बीच में नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, यहाँ पर साउथ ईस्ट आ जाएगा, ये साउथ वेस्ट आ जाएगा और ये नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, इसमें किसी तरह की कंफ्यूजन आपको नहीं है। अब कहा क्या जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, अगर ऐसा हो कि साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाए, समझ गए हो, तो ये साउथ ईस्ट है, अगर हम इसे नॉर्थ बना देंगे, हमने ये नॉर्थ बना दिया और यहां पर साइड में जो बेसिक डायरेक्शन है हमारे पास सही वाली वो मैं यहां पर बना रहा हूं, नॉर्दर्न साइड, सदर्न साइड, वेस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड मैंने बना दिया। अब उसने क्वेश्चन है वो कहा क्या, उस पर ध्यान देना है। उसने कहा है इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, अगर ऐसा होता है कि साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ बन जाए, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन थी वो वेस्ट बन जाए, अगर ऐसा हो जाए इसी तरह से चलता जाए तो बताइए वेस्ट साइड कौन सी साइड बन जाएगी। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना, जो पहली बार कर रहे हैं या जिनको कंफ्यूजन रहती है वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आपसे पूछा क्या है कि वेस्ट डायरेक्शन अब कौन सी बन जाएगी, आपको ये बताना है। आपको पहले बेसिक डायरेक्शन बनानी है, अगर आप बिगिनर हो तो बेसिक डायरेक्शन बना दी, फिर जो नए नाम रखे गए हैं आप इस तरह से समझोगे। साउथ ईस्ट का नया नाम क्या रखा गया है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट का नया नाम क्या रखा हुआ है, वेस्ट। अब ठीक है, इतना आपको दिया हुआ था, अब आपको इतना तो पता है कि नॉर्थ और साउथ हमेशा अपोजिट में होंगे, अगर ये नॉर्थ साइड है इसके अपोजिट में यहाँ पर ये साउथ साइड हो जाएगी, अगर ये वेस्ट है वेस्ट के अपोजिट में हमेशा ईस्ट ही आएगा तो ये हमारे पास ईस्ट साइड हो जाएगी। तो ये बेसिक डायरेक्शन जो क्वेश्चन हमें दिया था, हिंट हमने हमें दी थी, हमने उसे यूज कर लिया है। अब आपसे फाइनली देखो पूछा गया था कि वेस्ट डायरेक्शन कौन से बन जाएगी, वेस्ट साइड को हम क्या कहेंगे, तो वेस्ट साइड पहले ये हुआ करती थी। जो कंफ्यूजन होता है वो यहीं पर जाके आता है, यहां पर आपको ऑप्शन में, यहां पे जैसे देखो नॉर्थ ईस्ट भी देखने को मिलेगा और कई सारे स्टूडेंट जो है वो नॉर्थ ईस्ट टिक कर देते हैं,
क्योंकि कहा गया कि वेस्ट साइड कौन सी बन जाएगी, आप बोलते हो वेस्ट साइड तो यहां पर आ रही है तो नॉर्थ ईस्ट, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आपसे पूछता है जो ओरिजिनल में वेस्ट साइड थी अब वो कौन सी बन जाएगी, तो ओरिजिनल में वेस्ट साइड ये थी ना, अब ये क्या बन जाएगी, देखो जो नए नाम है उसके हिसाब से ये साउथ है और ये ईस्ट है और ये साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, तो ये साउथ ईस्ट हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करूंगा जिसको भी कंफ्यूजन हो गई, आपने पहले बेसिक डायरेक्शंस बना दिए, नए नाम जो थे वो आपने नए नाम भी सारे रख दिए। आपको बताना था कि जो ओरिजिनल में वेस्ट डायरेक्शन होती है वो कौन सी बन जाएगी, तो ओरिजिनल में वेस्ट डायरेक्शन तो ये होती है, लेकिन अब इसका नया नाम क्या पड़ जाएगा, क्योंकि हमने देखा ये साउथ साइड है, ये ईस्ट साइड है और साउथ और ईस्ट के बीच में आ रही है, तो ये साउथ ईस्ट साइड हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं होगी, क्लियर हो गया होगा। तो आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगर फिर भी है कुछ क्वेश्चंस और हम यहाँ पे कवर करेंगे, और इस कैटेगरी में डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो भी हम देख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, यहां पर कहा गया है इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड एज ईस्ट, अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन को ईस्ट कहा जाए तो हम फिर से वही काम करेंगे, पहले डायरेक्शन बना देते हैं, ये नॉर्दर्न साइड है, साउथ साइड है, ईस्ट है और वेस्ट है, ये बीच में नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, यहाँ पर साउथ ईस्ट आ जाएगा, यहाँ पर साउथ वेस्ट आएगा और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। क्या इतना क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा है? ठीक है, बिल्कुल ओके है। ये बेसिक डायरेक्शन जो होते हैं हमने वही बनाई हैं। इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड एस ईस्ट, अगर साउथ ईस्ट को ईस्ट कहा जाए, ये साउथ ईस्ट है, अगर इसे हम ईस्ट कह दें, चलो मैं मार्कर चेंज करता हूँ सो दैट आपको और क्लैरिटी यहाँ पे बन जाए ना, सेम मार्कर नहीं यूज करूंगा। कहा गया साउथ ईस्ट को ईस्ट कहा जा रहा है, तो ये साउथ ईस्ट था, इसे नया नाम का दे दिया, इसे नया नाम दे दिया है ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड एज वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट को क्या कहा गया है, नॉर्थ वेस्ट को कहा गया है वेस्ट, तो ये तो वैसे भी हम पता लगा देते, अगर ये ईस्ट साइड है तो इसके अपोजिट में ये वेस्ट हो जाएगी। साउथ वेस्ट को कहा गया साउथ, साउथ वेस्ट को कहा गया साउथ, और ऑब्वियसली बात है अगर ये साउथ है तो यहां पर नॉर्थ हो जाएगा, ये नए नाम हमने चारों यहां पर रख दिए। अब आपको वो क्या बोलता है, व्हाट विल नॉर्थ बी कॉल्ड, तो बताइए नॉर्थ क्या कहा जाएगा। कहने का मतलब है जो ओरिजिनल में नॉर्थ हुआ करता था, यानी कि ओरिजिनल में नॉर्थ ये था, इसका नया नाम क्या पड़ जाएगा, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में आ रहा है तो ये नॉर्थ वेस्ट इसका नया नाम हो जाएगा। मिस्टेक कहां पर होती है, हम मिस्टेक यहां पे कर देते हैं, वो बोलते हैं नॉर्थ क्या, हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, जबकि वो पूछता है कि ओरिजिनल वाला नॉर्थ क्या बन जाएगा, तो हमें बताना जो ओरिजिनल वाला था वो अब नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा। ये कंफ्यूजन आपको क्लियर हो गई होगी। अब इस कैटेगरी में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है वहां पर क्या होता है, वहां पर आपको सिर्फ एक ही तरह की हिंट दी होती है, बाकी कोई भी हिंट आपको नहीं दी जाती है, तो वो वाला क्वेश्चन भी हम कवर कर लेते हैं, लेकिन स्क्रीन में तो नहीं आएगा बट मैं आपको बता देता हूँ वो क्वेश्चन किस तरह से आता है। जैसे आपको सिर्फ इतना कहा जाएगा इफ साउथ वेस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, बस आपको इतना बोल देगा, इफ साउथ वेस्ट इज कॉल्ड ईस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल ईस्ट बिकम, आपसे ये पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब कहने का ये है कि सिर्फ आपको एक ही हिंट दी हुई है इस बार, तो एक हिंट दी है, दो हिंट दे में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक से हमारा काम बन जाएगा, और एक तो देगा देगा वरना क्वेश्चन ही कैसे बनेगा। हमें ये साइड ईस्ट दी हुई थी, अब हमें बेसिक डायरेक्शंस पता है और हमें इतना ये भी पता है कि जब हम ईस्टर्न साइड में होंगे, ईस्टर्न साइड में होने के बाद हम जब भी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे, क्लॉकवाइज मतलब राइट साइड की मूवमेंट करेंगे, तो ईस्ट के राइट साइड में हमेशा साउथ ही आना है, तो यानी कि ये ईस्ट है, इसके राइट साइड में मूवमेंट करूंगा तो मेरे पास कौन सी डायरेक्शन आएगी, साउथ डायरेक्शन ही आएगी। अब यहां पर भी मिस्टेक कहां पर होती है वो भी ध्यान से समझो, अब ये तो ठीक है आपको समझ आया कि ईस्टर्न साइड की अगर आप राइट साइड मतलब क्लॉकवाइज जाओगे तो साउथ साउथ साइड आएगा, हम ईस्टर्न साइड हमें दिया था, हम साउथ साइड ये बना देते हैं, यहां पर मिस्टेक कर लेते हैं, अब क्योंकि ये भी तो राइट साइड ही है तो इसमें क्या गलत है, गलत ही है कि जो भी दो मेन डायरेक्शन है, प्राइम डायरेक्शन है, इनके बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री का बनता है, तो यहां से यहां पर मैं जाऊंगा 45 डिग्री बनेगा, 90 बनाने के लिए मुझे यहां से लेकर यहां तक जाना ही पड़ेगा, तो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए अगर ये ईस्ट है तो ये साउथ होगा, इसकी हिंट से आप कभी भी ये डायरेक्शन नहीं बताओगे, जो मेन डायरेक्शन से अगर ऐसे आई हुई है तो इसी जगह मेन डायरेक्शन आपको बनानी है, या फिर आप 90 डिग्री का एंगल देख लेना। अब आपको पता साउथ के जब राइट साइड जाओगे तो वेस्ट आएगा, ये साइड वेस्ट हो जाएगी और ये साइड नॉर्थ हो जाएगी, ये क्लैरिटी आपको हो गई है।
इसमें किसी तरह का डाउट आपको नहीं रहने वाला। अब आपसे पूछता है ईस्ट क्या बन जाएगा, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा। आपसे वो कुछ भी पूछ ले आप बड़े मजे से बड़े आराम से बता दोगे और एग्जाम में क्वेश्चन एक नंबर का आएगा दो नंबर का आएगा, आप आराम से सिक्योर करोगे। अब हम चलते हैं आज की जो सेकंड कैटेगरी है वो भी कवर कर लेते हैं। जो सेकंड कैटेगरी है वो क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस की, यानी कि जो क्लॉक के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्शन सेंस में, वो हमने देखने। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, इस कैटेगरी के तीन क्वेश्चन कवर करेंगे, बाकी आपको ऐसा तरीका बताऊंगा हालांकि वो अभी पता लग जाएगा, जिससे किसी भी कैटेगरी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कवर करोगे। कहा गया है अ क्लॉक इज प्लेस्ड एट 12 नून, इट्स मिनट हैंड पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, इन विच डायरेक्शन इट्स आवर एंड पॉइंट एट 1:30 PM। एक घड़ी हमने बना दी इस तरीके से, है ना। उसने ये कहा कि दिन के नून का मतलब 12 बजे का टाइम चल रहा है, हमने 12 बजे का टाइम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। ये 12 हमारे पास हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 6 आ जाएगा, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरह से हमने एक वॉच बना दी, घड़ी बना दी। कहा क्या गया है कि 12 बजे का जब टाइम था, तो आपको पता है जब 12 बजे का टाइम होगा तो छोटा वाला हैंड होता है उसे हम आवर हैंड बोलते हैं, और जो बड़ा वाला हैंड है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे मिनट हैंड बोलते हैं। तो 12 तो इसी तरह से बजेंगे ना, छोटा हैंड भी वहीं, बड़ा हैंड भी वहीं पर होगा। तो कहा गया कि एक क्लॉक की बात करेंगे, जब दिन के 12 बज रहे थे, उसका जो मिनट वाला हैंड था यानी जो बड़ा वाला हैंड है, इसकी डायरेक्शन कौन सी है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो 12 बजे का टाइम था, मिनट हैंड कौन सी डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो हमने बोल दिया ठीक है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। अब ये थी हिंट। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा है बताइए जब 1:30 बज रहे होंगे यानी कि 1:30 का टाइम होगा, 1:30 का टाइम होगा, उस टाइम पीरियड पर जो आवर वाला हैंड है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। देखो 1:30 की बात करेंगे, ये तो आपको हिंट दी थी। अब जब 1:30 का टाइम हो रहा होगा तो आवर वाला हैंड यहां पर होगा और मिनट वाला हैंड यहां पर ऐसे होगा, है ना, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे में कर रहा हूं। तो इस तरीके से 1:30 का टाइम हो रहा होगा, आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए जब ये टाइम हो रहा होगा जो 1:30 वाला हैंड है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, यानी कि 1:30 के टाइम पे ओवर राइड कि ये जो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, आपसे वो पूछा हुआ है। अब आप खुद सोचो, यहां पर आपको पता है नॉर्थ है ये ईस्ट, इनके बीच में नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा, कितना क्लैरिटी आपको है। तो अगर मैं बेसिक डायरेक्शन बनाऊं इस तरीके से, है ना, ये सभी 90 डिग्री के बन गए हैं। नॉर्थ ईस्ट के हमेशा अपोजिट क्या बनता है, साउथ वेस्ट बनता है, किसी तरह का डाउट नहीं है। अगर ये नॉर्थ ईस्ट था तो ये क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप नॉर्थ ईस्ट के राइट साइड पे 90 डिग्री पे घूम रहे हैं, हम 90 डिग्री पे घूम रहे हैं, जब भी नॉर्थ ईस्ट के राइट साइड में आओगे तो साउथ ईस्ट आएगा। तो नॉर्थ ईस्ट का राइट साइड क्या बन रहा है, साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या बनता है, नॉर्थ वेस्ट। हमने सभी डायरेक्शन बना दिए हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि यहां पर आपको बताना है कि आवर एंड कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब आप देखो मुझे बताओ, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में क्या आता है, ईस्ट आता है। तो ये कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आवर वाला हैंड ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ईस्ट आपको किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसको इसमें कंफ्यूजन है वो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अभी एक दो क्वेश्चन और सामने आएंगे, क्लैरिटी मिलती जाएगी। बस समझना है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, उन पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, दिमाग में रखने की क्या तरीका मैं यूज कर रहा हूँ, भाई आपको भी यूज करते जाना है। क्वेश्चन ईजी है, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो डिफिकल्टी आ सकती है, लेकिन पहली बार डिफिकल्टी है इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा डिफिकल्टी आने वाली है, इजी क्वेश्चन है, आराम से मार्क्स यहाँ पे ले सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, इट्स 3 o'clock इन अ वॉच, क्या टाइम हो रहा है, 3 बजे का टाइम है, ठीक है, हम बना देते हैं 3 बजे का टाइम। 3 जब बज रहे हैं इसका मतलब क्या है, जो छोटा वाला हैंड है वो यहाँ पर और बड़ा वाला हैंड यहाँ पर है, ये 3 बजे का टाइम है। मिनट हैंड की डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, ये तो सेम क्वेश्चन बन गया, वही डायरेक्शन बन गई है, मिनट हैंड की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है। तो आपको बताना है ओवर एंड की डायरेक्शन कहां पर होगी, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने बन रहा है। तो आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल 90 डिग्री पे साउथ ईस्ट बनता है, तो ओवर एंड कहां पर जा रहा है, ऑब्वियसली बात है ये इधर तो बिल्कुल 90 डिग्री पे बन रहा है, तो साउथ ईस्ट में जा रहा होगा, और ऐसा आपको ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जैसे देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, वहां से आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। यहां पर कहा जा रहा है राहुल पुट इज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट एट 6 PM, अब टाइम क्या दिया गया है, 6 PM का टाइम, 6 बजे का टाइम हो रहा है, ठीक है हम 6 बजे का टाइम यहाँ पे बना देते हैं। 6 बजे का टाइम किस तरह से बनेगा, जो मिनट वाला हैंड है वो यहाँ पर आएगा और आवर वाला हैंड यहाँ पर आएगा। और कहा जा रहा है 6 बजे का टाइम चल रहा है, आवर हैंड की डायरेक्शन कौन से, नॉर्थ साइड, यानी कि ये डायरेक्शन कौन सी है, ये नॉर्थ साइड है। अब आपको पता कर ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा, और नॉर्थ के हमेशा राइट साइड में ईस्ट बनता है, तो नॉर्थ की जब मैं राइट में जाऊंगा ईस्ट बन जाएगा और ये वेस्ट बन जाएगा। क्लैरिटी है, आपसे पूछा गया है इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15 PM, जब 9:15 का टाइम हो रहा है, यानी कि छोटा हैंड यहां पर आ जाएगा और बड़ा हैंड यहां पर आ जाएगा। जब 9:15 का टाइम हो रहा है तो मिनट हैंड कौन से डायरेक्शन में है, तो मिनट वाला जो हैंड है वो वेस्ट डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिल रहा है वो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको यहाँ पे किसी तरह का डाउट नहीं आ रहा होगा, ये दोनों कंसेप्ट जो आपको बताए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। बेसिक आपको याद रखना है, बेसिक डायग्राम्स आपको पता है, और नॉर्थ के हमेशा राइट साइड में ईस्ट आएगा, नॉर्थ ईस्ट के राइट साइड में साउथ ईस्ट आएगा, इन बातों को यूज करना है। और बाकी है ही क्या है, मिनट हैंड छोटे वाला जो हैंड होता है बोलते हैं ओवर हैंड, छोटे वाले को बोलते हैं मिनट हैंड, बड़े वाले को बोलते हैं, ये बेसिक से कंसेप्ट है। और टाइम देखना आपको आता ही है, तो बनाने में कौन सी डिफिकल्टी आपको रफ शीट में बनाना है, तो किसी ने आपको डायग्राम के मार्क्स देने नहीं, अपने अपने आपको समझाना है। तो प्रैक्टिस कर रहे हो आराम से प्रैक्टिस करो, स्टार्टिंग लेवल पे आपको ये नहीं होता कि आपको क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना है। जब आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हो, बिगिनर लेवल पर होते हो, तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो मैंने सीखा है क्या मैं वो इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ, जो क्वेश्चंस मैंने आज वहां पर लेक्चर में देखे हैं क्या उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। चाहे आप टाइम लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक टाइम के बाद जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आप इन क्वेश्चंस को बड़ी जल्दी सॉल्व करोगे। लेकिन स्टार्टिंग में जल्दी सॉल्व करने का ट्राई मत करो, स्टार्टिंग में टाइम लो, टाइम दो, इन बातों को ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। तो मैथमेटिक्स में हमने एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट कर लिया था, आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो, टॉपिक का नाम है परसेंटेज। अब आज की इस वीडियो में हालांकि पहला टॉपिक रहने वाला परसेंटेज का फर्स्ट डे रहने वाला है, बिल्कुल बेसिक लेवल कवर कर पाऊंगा, और जिसको परसेंटेज के बेसिक्स क्लियर हैं उन्हें ये सेक्शन देखने की जरूरत है, वो इस सेक्शन को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जिनको बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है परसेंटेज को, अच्छे लेवल तक जाना है, जिनके बेसिक्स भी लगता है कि हाँ क्लियर नहीं सही तरीके से, उन्हें ये जो सेक्शन वाला पार्ट है वो अच्छे से देखना और ध्यान से समझना है। देखो परसेंटेज का सिंपल रहता है कि पर सेंट, है ना, पर सेंट मतलब 100, मतलब पर डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया परसेंटेज एक तरीके से। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका है 50%, तो 50% डिवाइड 100, सेंट को हो गया 100। तो उसकी जब फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना चाहोगे तो क्या आ जाएगी, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 को 1 से करो, 5 को 2 से करो, तो 1/2 उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से आप किसी भी कोई भी टर्म आपको दोगे परसेंटेज दोगी, आप उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल सकते हो। आपको बोलते 25% बोला ना, तो परसेंट से आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, परसेंट आपने कर दिया, इसको सॉल्व करो तो 1/4 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है। आपको बोल दिया 40% है, तो 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकालनी है, आप क्या करोगे 40/100 कर लोगे, ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 को 2 से करो, 2 को 5 से करो, तो 2/5 आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी 40% की। इस तरीके से कुछ भी आपको एग्जाम में दिया होगा, आप उसकी अगर परसेंटेज में दिया हुआ है, आपको फ्रैक्शनल वैल्यू सॉल्व करनी है, आप आराम से कर सकते हो। जैसे कई बार क्वेश्चन में होता है ना कि आपको कुछ यूनिट सेंटीमीटर में दी हुई है, कुछ मीटर में दी है, तो आप क्या करते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या तो आप जितना भी टर्म है उन सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो, मीटर में कन्वर्ट करते हो, एक यूनिट रखते हो। वैसे किसी क्वेश्चन में परसेंटेज भी दिया हुआ है और फ्रैक्शनल वैल्यू भी दी हुई है, आपको जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है या तो पूरे क्वेश्चन को परसेंटेज में बना दो या पूरे क्वेश्चन को फ्रैक्शन में बना दो, फिर ही आप सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए आपको पता होना चाहिए परसेंटेज से फ्रैक्शन पे कैसे जाते हैं। अब इसका रिवर्स है, आपको फ्रैक्शनल वैल्यू दी हुई है, आपको परसेंटेज पे जाना है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपको बोल दिया 1/2 एक फ्रैक्शनल आपको दिया हुआ है,
इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आप जब परसेंटेज पे थे, आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे, आप डिवाइड बाय 100 करते थे, लेकिन जब आपको फ्रैक्शन दी हुई है और आपको परसेंटेज बनाना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। समझ गए हो? जब परसेंटेज दी थी तो सिंपल है, परसेंट है तो 100 से डिवाइड करना ही था, लेकिन जब आपको परसेंटेज बनानी है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1/2 है, इसकी परसेंटेज बनानी है, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब 1/2 का मतलब क्या हुआ, 50% हुआ। अभी हमने सॉल्व किया था ना, 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आई थी, 2/5 आई थी। तो हम 2/5 को सॉल्व करके दिखा देते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि मैं परसेंटेज वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो 5 को 20 से करूंगा तो भी 100 आएगा, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 40% आ गया। तो 2/5 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई है। तो इस तरीके से आपको कुछ भी नंबर दिया होगा, आप उसकी परसेंटेज भी निकाल सकते हो, या परसेंटेज दी है आप उसे फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हो। अब स्क्रीन में आपके सामने एक चार्ट शो हो रहा होगा, आपने वो देखना है, उसमें आपको यही फ्रैक्शनल वैल्यू परसेंटेज वैल्यू सिंपल सॉल्व करके दी गई है। अब मैं आपको यही बोलूंगा, पहले जितने भी अगर आप बिगेनर हो, इन सभी को सॉल्व करो, अगर आपको परसेंटेज दिए सभी परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू निकालो, पहले सॉल्व करना सीखो इसे, और उसके बाद आप इस टेबल को याद कर लो, और इसमें से कई सारे टर्म्स ऐसे जब आप क्वेश्चन करते जाओगे आपको खुद ही याद हो जाएंगे। और याद करने का बेनिफिट ये रहने वाला है कि जब आप क्वेश्चन करोगे, आपके सामने 25% आ गया, 40% आ गया, वहां पर आपको जो 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकालनी है, 40/100 कैलकुलेशन करोगे, वो टाइम आपका सेव होगा। और कंपिटेटिव एग्जाम में होता क्या है, टाइम ही तो बचाना है, उसके बाद एक्यूरेसी वगैरह है, टाइम सबसे जरूरी है वहां पर। तो टाइम बचाने के लिए आपको याद करना पड़ेगा, 4 दिन लगा लो, 5 दिन लगा लो, 15-20 दिन लगा लो, लेकिन याद कर लो कौन सा कल एग्जाम होने जा रहा है, तो आराम से लेकिन याद करना है। अब मैंने आपको कहा कि आज फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है परसेंटेज टॉपिक पर, तो बिल्कुल बेसिक लेवल की क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ये उम्मीद मत करने का आज अच्छे लेवल की क्वेश्चन आएंगे, बेसिक आपके क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए बेसिक लेवल की क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में कहा हुआ है, इफ 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 90, 20% एक्स कोई नंबर हमारे पास कुछ भी हो सकता है, लेकिन बोल दे कि जब उस एक्स का हम 20% निकालते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 90 आता है, तो बताइए वो एक्स क्या था। तो देखो आपको क्या कहा हुआ है, 20% ऑफ एक्स है ना, आपको पता है 20% ऑफ एक्स, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको फ्रैक्शन में सॉल्व करूंगा, तो 20% की जगह मैं क्या लिखूंगा, 20/100 ऑफ को बोलते हैं मल्टीप्लाई, एक्स तो हमें पता नहीं, वो तो सॉल्व करना है, ये किसके बराबर आता है, ये 90 के बराबर आता है। अब देखो मैं 20/100 कर रहा हूँ, अगर आपने वो टेबल याद किया होता आपको पता 20 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, तो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखते 1/5 है ना, ऐसे आप करते। अब मुझे बताओ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स क्या हो जाएगा, 5 वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 90 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो 450 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 450 वो नंबर था जिसका जब आप 20% निकालोगे तो वो 90 आ जाएगा, तो 450 आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा था। अब जिसको मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, डिवाइड क्यों हो रहा है, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, या पावर आ जाएगी, या डेसिमल वाले क्वेश्चन आएंगे है ना, या बार वाले क्वेश्चन आ जाएगा, वो सब कैसे सॉल्व करना है, वो सब कुछ आपको मैंने ऑलरेडी कवर करवाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाओ, बेसिक मैथ के नाम से प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी, वहां पे बेसिक कंसेप्ट से कवर करवाया गया मैथमेटिक्स के, तो वो वीडियो जाके देख लो। फिलहाल इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आपके सामने स्क्रीन में आएगा, आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन ट्राई करो। यहां पर कहा जा रहा है, व्हाट इज पूछा जा रहा है, व्हाट इज 32% ऑफ 3/8 ऑफ 5000, तो क्या है 32% किसका, 32% तो मैं 32/100 कर लिया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 3/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5000, इसे कैलकुलेट करना और बताना आंसर क्या आ जाएगा, बस इतना सा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में था। तो आपको पता है 8 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 2 जीरो और 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12 को मल्टीप्लाई करना है 50 से, तो कितना हो जाएगा 600 हमारे पास आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी में आपको वो देखने को मिल रहा है। तो है ना ये बेसिक से क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, अगर किसी बेसिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां पर ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको इनको भी ध्यान से समझना है,
बस कैलकुलेशन का ही तो काम है यहाँ पर। अब जैसे देखो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, इसे भी आप ट्राई कर सकते हो। आपको कहा जा रहा है 12 of 26% of 5/78 of 38% of 7/152 of 10,000। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो बस कुछ ऐसे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि देखते क्वेश्चन बड़ा आ गया तो डिफिकल्ट होगा, ट्राई करता ही नहीं है। ट्राई तो करना, क्या कर सकते हो। अब हम यहाँ पे इसको ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं। 12 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई बना दिया, 26% था तो 26/100 कर दिया, फिर ऑफ तो मल्टीप्लाई लगा दिया, फिर 5/78 था 5/78 कर दिया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 38% था 38/100 कर दिया, फिर से ऑफ है तो इस पोर्शन को मैं यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ, है ना, ये वाला पोर्शन में इरेज कर लेता हूँ। 38% 38/100 कर दिया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, 7/152 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10,000 है ना ये, हाँ 10,000 है, ये कर दिया, किसके बराबर है वो तो बताना था। अब देखो मैंने सभी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया क्योंकि वो इजी है, फ्रैक्शन से परसेंटेज है तो डिफिकल्ट बनता, इसे सिंपल सा ये कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लो। अब देखो ये 2 0, ये 2 0 4 0, और ऊपर के 4 0 तो कैंसिल हो गए, ये तो बड़ा आसान काम बन गया। 26 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 20 40 60, 4 72 78, 3 से मल्टीप्लाई करो, ये तो पूरा कट जाएगा। 26 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 78 आता है। आपको डिफिकल्टी की 2 के टेबल से भी काट सकते हो, 3 के टेबल से भी काट सकते हो। उसके बाद 38 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 38 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 152 आ जाता है। आपको पता है 40 को 4 से मल्टीप्लाई किया था 160 आता, तो उसी तरीके से 38 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 152 आ गया। क्वेश्चन बड़ा था लेकिन कैलकुलेशन ईजी थी, ट्राई करना था आपको। और क्या हमारे पास, 4 को 1 से करो, 4 को 3 से करो, 12 कट जाएगा। तो क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पे कुछ और कटने वाला है, ये 3 और ये 3 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना, 35 आ जाएगा, और 35 आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितना बड़ा क्वेश्चन, तो आंसर क्या है 35। तो मतलब कैलकुलेशन इजी रहती है, बस आपको अटेम्प्ट करना होता है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है, अब ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं, और आप वीडियो को पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को। यहां पर कहा जा रहा है द सम ऑफ 15% ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, कोई पॉजिटिव नंबर है उसका जब आप 15% निकालते हो और उसमें ऐड करते हो 10% उसी नंबर का, ऐड करने पे आंसर आता है 70, तो बताइए उस नंबर का डबल क्या हो जाएगा। क्या कहा गया है, 15% किसी पॉजिटिव नंबर का, हम मान के चलते वो जो पॉजिटिव नंबर था एक्स था, तो 15% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, वो जो पॉजिटिव नंबर था हमने एक्स मान लिया, उसमें जब हम ऐड करते हैं 10% मतलब 10/100 ऑफ सेम नंबर, तो नंबर तो हमने एक्स लिया था, यहां पर भी एक्स कर दिया, तो ऐड करने में आता क्या है 70 आता है, समझ गए हो। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो देखो जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा 15x/100, ये 10x/100, तो 15x+10x कितना हो जाएगा 25x, 25x/100 इक्वल्स टू 70 आ जाएगा। तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करो, ये 4 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा 280। आप लोगे ऑप्शन नंबर बी में 280 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन वो तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपने x निकाला है, x आपने नंबर निकाला है, ठीक है नंबर में किसी तरह की मिस्टेक नहीं है, बट उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट इज ट्वाइस ऑफ दैट नंबर, वो जो आप नंबर निकाले उसके डबल आपको बताना है, तो ऑप्शन में 280 भी दिया हुआ था, आप हो सकता है वो टिक कर देते, तो इन बातों को ध्यान देना है। आपसे पूछे इस नंबर का डबल करके बताओ कितना आएगा, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है 560, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी आपने कवर किया, और आज का परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, फिर परसेंटेज के टॉपिक को आज हम क्लोज करेंगे, कल से हम परसेंटेज की कैटेगरी वाइज क्वेश्चन जो है वो कवर करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है 40% ऑफ 70% ऑफ अ नंबर इज 336, व्हाट इज 1/3 ऑफ दैट नंबर। देखो कहा गया 40%, 40% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 70% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कोई नंबर है हमने वो नंबर एक्स मान लिया,
जब 40% निकाल दो, 70% निकाल दो किसी नंबर का, वो आता है 336 के बराबर। तो यहां से हम नंबर कैलकुलेट कर लेंगे, इजी है, कैलकुलेशन ही करनी है। देखो कैसे करेंगे, ये जीरो और ये दो जीरो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 336 वहीं पर रख दो, ये 100 जाके मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड में ये 7 to 4 28 हमारे पास यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा ना। अब इसको मैं सॉल्व करूँ 28 को, अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ 28 तो कितना बचेगा, 56 बच जाएगा, तो उसका डबल आ जाएगा हमारे पास। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, 1200 आ रहा है, 1200 मेरे पास एक्स की वैल्यू आई है, वो नंबर हमारे पास आ गया। लेकिन उसने क्या पूछा है, व्हाट इज 1/3 ऑफ दैट नंबर, इसका 1/3 आपको निकालना है, मतलब 1/3 आपको निकालना है 1200 का। तो क्या डिफिकल्टी है इसमें, 400 आ जाएगा, तो वो आपको ऑप्शन नंबर 5 होगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि वहीं पे आपको देखने को मिल रहा है, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपने देखा मैं कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं किया मैंने, क्या पता मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन नन ऑफ दिस ऑप्शन में तो हम वही मान के चलेंगे, क्योंकि आपको यही कहा हुआ था 40% 70% ऑफ नंबर इज 336, तो आपको वो नंबर का 1/3 बताना था। जब आपने इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करा तो आपके सामने इस तरीके से आंसर आ गया, तो आपका नंबर आया 1200, लेकिन उसका 1/3 निकालना था तो वो 400 आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करेंगे, इस सब्जेक्ट को एंड करेंगे, नए सब्जेक्ट नए दिन पढ़ेंगे, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कवर कर लिया था कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के सोर्सेज क्या है, हमें कहाँ से पता लगता है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, या कुछ फेमस बुक्स लिखी गई है जम्मू कश्मीर हिस्ट्री पर जहाँ से हमें पता लगता है उनके अथर के नाम के, वो सारा डाटा हमने कवर कर लिया था। तो आज से कश्मीर की हिस्ट्री हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। आज कश्मीर की हिस्ट्री का पहला लेक्चर, अगर हम सीक्वेंस या एम्पायर की बात करेंगे, किसका शासन था वहां से बात करेंगे, तो उस हिसाब से पहला लेक्चर आने वाला है। लेकिन ये इनके बारे में पता कहाँ से लगता है, वो पहले पहले वीडियोज में हमने कवर कर लिया हुआ है, प्लेलिस्ट में वीडियोज है, आप जाके देख सकते हो। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बेसिक से, जो कहानी आती है कश्मीर की हिस्ट्री को लेकर, हम यहाँ पे निर्मत पुराण को सोर्स लेकर ये बताया जाता है कश्मीर के बारे में, कि ये आप सबने पहले भी सुनी अगर आपने कभी ना कभी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को पढ़ा है। कश्मीर में पहले नागास का रूल हुआ करता था ना, उससे पहले कश्मीर एक अपने आप में क्या थी, एक लेक हुआ करती थी, सतीसर लेक, यानी कि गॉडेस पार्वती की बात करें उनसे रिलेट करते, तो जब वो यहाँ से चली जाती है तो यहाँ पर नागास का शासन स्टार्ट हो जाता है। और उस टाइम पर एक राक्षस आप कह सकते, जलोद बाबा यहाँ पर आ जाता है, जिसका अत्याचार बहुत ज्यादा हो रहा होता है, डेंजरस होता है, लोग तंग पड़ चुके होते हैं, और वो ऋषि कश्यप फिर यहाँ पर आते हैं। जब ऋषि कश्यप यहाँ पर आते हैं, वो तपस्या करते, उन्हें समझ आता है कि जो जलोद बाबा के राक्षस की बात करेंगे, इसकी पूरी पावर किस में है, इसकी पूरी पावर पानी में है, अगर पानी किसी तरह से निकाल दिया जाए, अगर पानी सूख जाएगा तो पावर भी खत्म हो जाएगी। वही काम फिर करा जाता है वारामूला, यानी कि बारामूला वाले साइड में जहाँ पे पानी को रोक के रखा होता है, वहां पे मतलब अगर हम पत्थर को वहां से साइड कर देंगे, सारा पानी वहां से निकल सकता था, तो वही चट्टानों को काट के अलग किया जाता है सो दैट पानी वहां से निकल सके। जब पानी वहां से निकलता है तो सारा एरिया सूख जाता है, तो अगर पानी खत्म, जलोद बाबा की पावर खत्म, तो फिर वो बाबा यहाँ से भाग जाता है। यानी कि जो लेक थी या फिर कश्मीर की बात करेंगे, वो दोबारा से सेफ हो चुका था। इसी वजह से कहा जाता है निर्मत पुराण में कि जो कश्मीर का नाम है वो कश्यप मार रख दिया जाता है। क्यों? ऋषि कश्यप थे, उन्होंने मारा एक तरीके से, तो इसीलिए कश्यप मार। फिर धीरे धीरे करते करते नाम चेंज होकर कश्यप पूरा पड़ जाता है। जैसे जम्मू का नाम चेंज होते थे, जम्मू पड़ गया था जम्बू लोचन से, है ना, जम्बू से नाम होते होते, वैसे कश्यप मार से नाम चेंज होते थे, कश्यप पूरा पड़ा और फिर बाद में कश्मीर पड़ गया। तो कश्मीर का मतलब भी यही है, का मतलब होता है वाटर, और शिमेरा का मतलब होता है वाटर टू डिसिकेट, यानी कि यहाँ का जो पानी है वो ड्राई सूख चुका है, तो पानी सूख चुका है यहाँ का, तो इस तरह से आप समझ सकते हो तो कश्मीर का नाम, क्योंकि लेक सूख चुकी थी वैसे ही नाम भी पड़ता है। तो ये बेसिक सी स्टोरी है जो निर्मत पुराण को अगर हम सोर्स मान के चलेंगे वहां पर हमें सुनने को मिलती है, कश्मीर का नाम कैसे पड़ा था, तो ऋषि कश्यप के नाम पर पड़ा था। और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया होता तभी आपको समझना जरूरी है, आपसे एग्जाम में पूछा होता भी लेटेस्ट, इस जो अभी पीछे एग्जाम हुए थे, कश्मीर एक पहले लेक हुआ करती थी, लेक का नाम क्या था, वहां पर सतीसर लेक आपको देखने को मिल रहा था। तो जो भी आपको पढ़ना है वो अच्छे से कवर करना, जो भी मैं करवाता जा रहा हूँ आपको, वो आपने ये नहीं सोचना कि इम्पोर्टेंट है या नहीं है, जो भी करवाया जा रहा है वो सारा आपको एटलीस्ट याद करना है, समझ के रखना है, नोट्स में नोट डाउन कर देना है। अब हम चलते हैं, अगर कश्मीर में सबसे पहला रूल किसी का रहा था तो वो कौन सा था,
महाभारत पीरियड की हम बात करते हैं, गोनंदा एम्पायर के बारे में हम पढ़ते हैं, तो यानी कि कश्मीर में सबसे पहला जो रूल आया था वो महाभारत पीरियड के टाइम था। कहा जाता है कि महाभारत, जैसे महाभारत फिर मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे ना, इस तरह से एमएमएल सीक्वेंस हम कवर करते हैं। सबसे पहले महाभारत पीरियड आपको सीक्वेंस याद रखनी है। महाभारत पीरियड में जो पहले इंपॉर्टेंट थिंग माने जाते हैं वो गोनंदा वन को माना जाता है। टाइम तो 653 काल दिया था, ये वो टाइम था जब महाभारत जो युद्ध हुआ था ना, वो उससे पहले के थोड़ी देर पहले की कहानी है, जब गोनंदा वन का शासन स्टार्ट हुआ था। ये वो तब की बात है जब पांडवास की बात पे युधिष्ठिर की बात करेंगे, राज तिलक करवाया जा रहा था, जब अलग से नगरी बनाई थी। आप सबने अगर महाभारत वगैरह सुनिए देखिए तो आपको पता होगा मैं किस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। ये उस टाइम पीरियड की बात है तब गोनंदा वन का टाइम पीरियड चल रहा था, उसके बाद ही महाभारत स्टार्ट लड़ाई स्टार्ट हुई थी ना, तो जब वो राज तिलक किया जा रहा था पांडवास का युधिष्ठिर का, उस टाइम की बात है तब गोनंदा वन का एम्पायर रूल हुआ करता था। 653 काली एरा के आसपास का टाइम था। लेकिन होता क्या है, गोनंदा वन की बात करेंगे, ये जरासंध के रिलेटिव होते हैं, रिश्तेदारों में आते हैं, तो ये उन्हीं का साइड देंगे। और जब लड़ाई के बारे आते हैं बीच में, एक टाइम पर आप सभी सुना होगा जब कृष्ण भगवान वापस आ रहे होते हैं, तो उस टाइम पर जरासंध जो है वो लॉर्ड कृष्ण से पंगा लेता है और वहां पर जरासंध को लॉर्ड कृष्ण मार देते हैं। तो जरासंध को मार देते हैं, लेकिन हालांकि गोनंदा वन साइड में होता है, वो भी फेवर में लड़ाई कर रहा होता है जरासंध के, तो गोनंदा वन को कौन मारता है, लॉर्ड कृष्ण के भाई बलराम, आपने नाम सुना है, वो गोनंदा वन को मार देते हैं। चलिए गोनंदा वन की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। लेकिन उसके बाद का जब गोनंदा वन का बेटा होता है दामोदर, सीक्वेंस समझते जाओ, महाभारत पीरियड का टाइम चल रहा था, पहला रूलर कश्मीर का कौन है, गोनंदा वन, लेकिन मार दिया जाता है कृष्ण के भाई बलराम जो है, मार देते, लड़ाई हो रही होती है वहां पे। फिर गोनंदा वन का बेटा होता है दामोदर, अब दामोदर को अपने बाप की मौत का बदला लेना है, वो जाता है लॉर्ड कृष्ण से लड़ने के लिए। तो यहाँ पे दामोदर की बात करेंगे, उसकी भी डेथ हो जाती है, उसके भी उसको भी कहानी खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद लॉर्ड कृष्णा करते क्या है, जो दामोदर जो उनसे लड़ाई लड़ने आया था, दामोदर को तो मार दिया, लेकिन जो दामोदर की वाइफ थी यशोवती, यशोवती को सिंहासन पे बैठा देते हैं, आज के बाद रूल यहाँ का जो शासन है वो तुमने संभालना है। लेकिन इस बात को लेकर वहां के लोग मानते नहीं स्टार्टिंग में, कि लड़की कैसे यहाँ पे रूल कर सकती है, कई तरह की बातें उठती है। लेकिन आपको पता है लॉर्ड कृष्णा के बारे में समझाने में उनसे बेटर कौन ही समझा सकता है। वो कहते कि अगर यहाँ की बात करें, कश्मीर की बात करेंगे, सती की जगह है ये, पार्वती की जगह, तो आप ऐसे क्यों मना कर सकते हो। और निर्मल पुराण में पूरे लाइन दो तीन लाइनों में यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे किस तरह से मनाया, तो हाँ फाइनली लोग वहां पे मान जाते हैं। और यशोवती की बात करेंगे जो कि दामोदर की वाइफ थी, है ना, इनमें बड़ा मतलब माना जाता है, उसके बाद जब लॉर्ड कृष्ण समझाते हैं, और कहा जाता है कि टाइम पीरियड तो नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 15 इयर्स तक यहाँ पे इन्होंने रूल कर रहा था। किसकी हम बात कर रहे हैं, यशोवती की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा, बाद में नहीं महाभारत पीरियड में ही एक रूल यशोवती की बात करेंगे, यानी कि वुमेन की बात करें, लेडी की बात करें, इन्होंने रूल करा था, वो नाम आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, यशोवती 15 इयर्स तक रूल करा था। फिर उसके बाद होता क्या है, जब ये दामोदर की डेथ हुई थी ना, इसके कुछ टाइम के बाद ही यशोवती को बेटा हुआ था जिसका नाम था गोनंदा सेकंड, है ना। स्टार्ट कहां से हुआ था, गोनंदा वन, गोनंदा वन का बेटा आया दामोदर, लेकिन दामोदर को मार दिया जाता है, दामोदर की बीवी यशोवती सिंहासन पर बिठाया जाता है, फिर यशोवती का बेटा होता है गोनंदा सेकंड। अब गोनंदा सेकंड फिर रूल करना स्टार्ट करते हैं, फिर उसका टाइम पीरियड आ जाता है। और फिर कई बुक्स में कहा जाता है कि गोनंदा सेकंड के बाद 35 और गोनद के एक आए थे जिन्होंने कश्मीर में रूल करता है, कलन को जिनके बारे में पता नहीं था, लेकिन हाँ बाद में इनके बारे में पता लग गया था। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या था, गोनंदा सेकंड के बाद 35 और किंग्स ने रूल करा था, बिल्कुल सही है, लेकिन वो किंग पांडवास वाले थे। ये बात थोड़ी सी हो जाती है कि गोनंद किंग के जगह वो पांडवा वाले किंग थे, 35 किंग्स ने और रूल करा था वो सही है, लेकिन वो पांडवा किंग थे, पांडव थे वो जिन्होंने रूल करा था। तो टोटल कितने किंग थे इस टाइम पीरियड पर, मतलब 35 तो मैंने आपको बताया, इस पर 35 और रहने वाले, 36, 37, 38, 39, यानी कि महाभारत पीरियड में 39 किंग्स ने रूल करा था, जिसमें चार तो गोनंद वाली फैमिली के थे, बाकी पांडवाज आ चुके थे। अब इसमें पांडवाज की बात करें, जो पहले रूलर आए थे उनकी तरफ से, वो कौन थे, हरण देव, जो कि अगर हम बात करेंगे फर्स्ट पांडवा किंग थे। अर्जुन, अर्जुन की बात करेंगे जो महाभारत में आप सुनते हैं उनके बारे में, उनके ग्रैंडसन यानी कि परीक्षित के बेटे थे ये, और लॉर्ड अर्जुना के ग्रैंडसन आप बोल सकते हो ये हरण देव, इन्होंने फिर कश्मीर में रूल करा था, पहले पांडवा किंग थे वो हरण देव थे। और फिर इस तरह से सिस्टम चलता रहता है। और ऐसा कहा जाता है, जो सोर्सेस हमें बताते हैं वो ये बताते हैं कि एक अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से गोनंदा एम्पायर जो है खत्म हो चुका था, कैसे,
एक नगरी हुआ करती थी, एंशियंट सिटी थी यहाँ पे, जिसका नाम था यहाँ पे संधिमत नगर देखने को मिल रहे हैं। पूरी तरह से डूब गया था, सबमर्ज हो गया था, वो खाली जगह बच चुकी थी। फिर ऐसा भी कहा जाता है कि वहीं पर जो है वो वुलर लेक फिर जाके बनी थी। दो दो लेक्स का आपको स्पष्टीकरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर का जो बेसिक हिस्ट्री का क्वेश्चन है वो आपको समझ आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। अभी महाभारत पीरियड, फिर मौर्य पीरियड वगैरह आएगा। अभी धीरे धीरे और भी कई सारे हमने रूलर्स के बारे में पढ़ना है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस है वो और बढ़ती जाएगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल व्यू से भी आपकी हिस्ट्री जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इम्पोर्टेंट बनती जाएगी। कश्मीर की हिस्ट्री कवर करनी है, फिर जम्मू की हिस्ट्री को भी कवर करना है, तो हिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा अच्छा खासा जानने वाला है। बस उम्मीद आप वीडियोस को शेयर करोगे। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नोट्स आप अपने से बनाते जाओ, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये नोट्स आपके काम आने वाले। जो कंटेंट आपके सामने ये आ रहा है ये किसी भी एक बुक में आपको नहीं मिलने वाला है। आप बुक्स उठा के देख लो, अगर अभी सारा कंटेंट एक बुक में मिल जाता है तो अच्छी बात है, फिर आप उसी बुक को फॉलो कर सकते हो। वरना आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर बुक में कंटेंट नहीं मिल रहा तो आपको उसके नोट्स जरूर बनाने चाहिए। आने वाले टाइम पर आपको बेनिफिट होगा। बार बार इतनी बड़ी वीडियो देखने से अच्छा है एक बार नोट्स बनाए होंगे, 3 से 4 मिनट लगेंगे रिवाइज करने में, बड़े आसानी से इजीली आप रिवाइज कर लोगे। अगर बाद में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है आप नोट्स में ऐड करते जाओ, उसमें क्या रहने लोगे, प्रॉब्लम तो है नहीं है। जो भी नोट्स बनाते हैं उसके बाद एक पेज हमेशा छोड़ देना है, कुछ स्पेस वहां पर रख देना ताकि कुछ बाद में एड ऑन करना तो ऐड कर सकते हो। फिलहाल इस पोर्शन को एंड करेंगे, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश का टॉपिक हम स्टार्ट करें, बेसिकली वोकैबुलरी सेक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता डेली के 5 नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलते हैं। वर्ड्स का मतलब एक एंटोनियम होता है, एक सिनोनियम होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट स्पेलिंग, इडियम फ्रेजेस, ये 5 तरह के क्वेश्चन आपके सामने मैं डिस्कस करता हूँ। ये वो होते हैं जो किसी न किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए होते हैं। और आज के इस वीडियो में जो 5 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे वो 12th बेस एग्जाम में आए हुए हैं, यानी कि SSC CHSL के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन कवर करना। हो सकता है आपसे किसी का आंसर आपको पता होगा तो बाकी आपने वीडियो को देखते जाना अच्छे से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा। कहा गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड एक्सपोज। एक वर्ड आपके सामने है एक्सपोज, आपको इसका साइनोनियम मतलब सेम मीनिंग बताना है। तो ऑप्शन में बरी, हाइड, रिवील, प्रोटेक्ट। तो आपको पता है हम कहते हैं किसी को एक्सपोज कर दिया, उसने उसको एक्सपोज का मतलब कि और साइड सामने ला दिया, सब कुछ रिवील कर दिया। तो दफनाना, छिपाना, प्रोटेक्ट करना, एक्सपोज का मतलब ये तो है नहीं, एक्सपोज का मतलब है रिवील करना, सामने लाना। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है रिवील, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये एग्जाम में आया क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको एंटोनियम मतलब कि अपोजिट मीनिंग बताना, बट किसका? ये वर्ड आपके सामने देखने को मिल रहा है परपेट्रेट, इसका आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। ऑप्शन ए में कमिट, परफॉर्म, एग्जीक्यूट या प्रिवेंट। देखो परपेट्रेट की बात करें इसका मतलब क्या होता है, कोई क्राइम करना है ना, कोई वायलेंस वाला एक्ट करना, इस तरह से करना, तो कुछ ऐसे हार्मफुल कुछ एक्ट बोल सकते हो वो कवर करना, तो इसको हम बोलेंगे परपेट्रेट करना। तो ऑप्शन में कमिट तो एक तरह से हो गया ना, कमिट मतलब करना, परफॉर्म मतलब करना, एग्जीक्यूट मतलब करना। ऑप्शन नंबर डी में है प्रिवेंट, बचाना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें इसका एंटोनिम अपोजिट मीनिंग बताना था ना, तो अपोजिट मीनिंग क्या हो गया, रोकना, प्रिवेंट करना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 में है सेलेक्ट द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, गलत स्पेलिंग कहां पर है आपको वो बताना था। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, ध्यान से देखिए। अगर ऑप्शन नंबर ए में देखो कि ईगल के स्पेलिंग गलत हैं, यहां पर लिखा हुआ है ई ए जी ई एल, ईगल के स्पेलिंग होते क्या है, ई ए जी एल ई, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में गलत स्पेलिंग थे वही तो आपको बताना था, ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, कुछ ऐसा जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो उसके लिए वन वर्ड बताना है। तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहे हैं इनएविटेबल, इसका मतलब यही होता है जो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जो होना ही होना है, कंफर्म है, जिसको आप अवॉइड नहीं करने जा रहे हो, तो इनएविटेबल ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आप कोई पनिशमेंट करते हो तो उसके आपको सजा मिलेगी, पनिशमेंट कोई क्राइम करते हो पनिशमेंट मिलेगी, तो वो पनिशमेंट इनएविटेबल है अगर आपने क्राइम करा, तो इस तरह से समझ सकते हो जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता।
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वो भी आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम का मतलब आपको बताना है। इडियम आपको दिया क्या है, डांस टू समवंस ट्यून। डांस टू समवंस ट्यून इसका मतलब क्या आपको वो बताना है। ऑप्शन नंबर दो ही आपके सामने होंगे, मैं चारों पढ़ के बताऊंगा। ऑप्शन नंबर ए में डू व्हाट अदर्स वांट यू टू डू। ऑप्शन नंबर बी में है डिले इन मेकिंग अ डिसीजन। ऑप्शन नंबर सी में है आर्गू विद अदर्स ऑन पेटी मैटर्स। और ऑप्शन नंबर डी में है बी एंगेज्ड इन एन एनर्जेटिक एक्टिविटी। तो देखो नाम से ही पता लग रहा है, डांस टू समवंस ट्यून तो मतलब किसी के इशारों पर नाचना, डू व्हाट अदर्स वो करना जो दूसरे तुमसे करवाना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के जो पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो इंग्लिश वोकैब सेक्शन से वो कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियोस को शेयर कीजिए, आपके शेयर की जरूरत है, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स कम है बट फिर भी वीडियोस कंटिन्यू चलती रहेंगी। बट फिर भी मैं चाहता हूँ आप वीडियोस को शेयर करो, ये सारा कंटेंट आपको एक ही जगह पर मिल रहा है। कई सारे एस्पिरेंट्स को पता ही नहीं इस बारे में, तो मैं चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट उनसे वीडियो शेयर करके जो खुद भी किसी जो भी इसको भी जरूरत है कोर्सेस को बताइए कि एक कोर्स चल रहा है यूट्यूब पे जहाँ पर सब कुछ आपको कवर करवाया जा रहा है, आप एटलीस्ट जाके पढ़ के तो देखिए। सभी को पता लगना चाहिए ना कि ये कोर्स चल रहा है, वो सबको अगर पता करवाना है सबको बताना है इस बारे में। इसलिए मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, आपकी हेल्प की जरूरत है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलते हैं आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। जनवरी से हमने स्टार्ट करा था, जून तक के जो भी इंपॉर्टेंट डेज थे वो हमने कवर कर लिए हैं और आज के इस वीडियो में जुलाई मंथ के जो इंपॉर्टेंट डेज है वो कवर करने, ज्यादा नहीं है, एक दो तीन चार पांच छह सिक्स इंपॉर्टेंट डेज हैं वो याद करें बिना ट्रिक के भी आप बड़े मजे से बड़े आराम से याद कर सकते हो। आज का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट डे रहने वाला है फर्स्ट जुलाई। फर्स्ट जुलाई को होता है नेशनल डॉक्टर्स डे। इजी है याद करने में, जुलाई का मंथ है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है और स्टार्टिंग में लोगों को डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट जुलाई को हो गया नेशनल डॉक्टर्स डे। और नेशनल कैसे याद रखोगे, इंडिया में जुलाई के मंथ में ज्यादा गर्मी होती है इसीलिए फर्स्ट जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे आ गया। इजी है, आराम से याद कर सकते हो, बाकी बिना ट्रिक के भी कर सकते हो। फिर आता है 11 जुलाई। 11 जुलाई को आ रहा है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अब ये कैसे याद करोगे, जुलाई का मंथ था आपको इतना समझ आ रहा है, एक को क्या था डॉक्टर्स डे, एक को क्या था डॉक्टर्स डे, मतलब डॉक्टर और डॉक्टर मिलके ही पूरी पॉपुलेशन को सेव कर रहे हैं, पॉपुलेशन को बचा रहे हैं। तो डॉक्टर और डॉक्टर मिलके पॉपुलेशन को सेव करते हैं इसीलिए एक एक यानी कि 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आ गया। इस तरीके से जुलाई का भी आप याद कर सकते हो। आगे चलते हैं 22 जुलाई की बात करते हैं। 22 जुलाई को चंद्रयान 2, क्योंकि चंद्रयान 3 आपके सामने अभी हाल ही में न्यूज में रहा है, उस पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं लेकिन डिफिकल्ट बनाने के वो चंद्रयान 2 भी ऐड कर देता है। तो 22 जुलाई वो डेट है जब चंद्रयान 2 को लॉन्च करा गया था, आपको तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च करा गया था। तो 22 जुलाई को चंद्रयान 2 लॉन्च करा गया था और 22 जुलाई को ही नेशनल फ्लैग डे भी सेलिब्रेट करा जाता है। तो आप नेशनल फ्लैग डे और चंद्रयान 2 रिलेट करके याद कर सकते हो। फिर 26 जुलाई सबसे इम्पोर्टेंट डे अगर कोई है जुलाई मंथ का, वो 26 जुलाई ही रहने वाला है। और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस आता है। जब इतनी गर्मी का टाइम चल रहा है और उस टाइम पीरियड पर 26 जुलाई की बात करेंगे, कारगिल विजय दिवस आप इस तरीके से याद कर लें। बाकी इसको याद करने की ट्रिक आपको नहीं पता होनी चाहिए, आप बिना ट्रिक के इसको याद करो, बड़ा इजी है, आप में से किसी को पता भी होगा 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। फिर 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, जो कि लीवर से रिलेटेड एक बीमारी रहती है, तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे अवेयरनेस के लिए 28 जुलाई को सेलिब्रेट करा जाता है। और रहा 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे, एग्जाम में एक बार पूछा गया है, समझ के। तो ये कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट डेज हैं, एक बार फिर से बोल देता हूँ। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे, फिर एक और एक डॉक्टर डॉक्टर मिलकर पॉपुलेशन बचाते तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। फिर 22 जुलाई को दो इवेंट आपको बताया, एक नेशनल फ्लैग डे भी है, चंद्रयान 2 को भी लॉन्च करा गया था। फिर 26 जुलाई को आपको बताया कारगिल विजय दिवस है, विक्ट्री डे बोल लो। फिर 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बताया और 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे बताया। इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो सारे कवर हो गए। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, आपने एक काम करना है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन करा हुआ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे जाके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी अपडेट होगा वहां पर आपको मिलता जाएगा।
और अभी तक आपने टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन करा है तो एक टेस्ट सीरीज आपको लिंक मिलेगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो टेस्ट सीरीज जाके ज्वाइन कर लो। प्राइस ज्यादा नहीं है, 100 रुपीज का वो टेस्ट, 99 रुपीज का वो टेस्ट रहने वाला है। उसमें जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसका टेस्ट वगैरह वहां पर अपलोड होता रहता है। तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, आप उसका टेस्ट अटेम्प्ट करना है या फिर पुराने वाले टेस्ट अटेम्प्ट करने, आप ये कोर्स ओपन कीजिए, टेस्ट सीरीज के नाम से है, एक बार परचेज करना है, हमेशा के लिए रहने वाला है। कभी भी जाके आप वहां पे जाके टेस्ट ओपन करो, अपना अटेम्प्ट वगैरह करो, देखो क्या आपने जो पहले याद किया है वो वाकई में याद भी है, भूल गए हो, फिर जो आज आपने पढ़ा है उसका एनालिसिस करो। इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, हर तरह का टेस्ट वहां पे, सब करंट अफेयर से क्वेश्चंस वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। आप वहां पे जाके अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो, पढ़ना भी है साथ में टेस्ट सीरीज भी ओपन करते जाना है। बाकी यहाँ पर आपको और भी प्लेलिस्ट मिलेंगी, एक JKCSB एग्जाम क्वेश्चन के नाम से है, वहां पर MCQ आपको मिलेंगे, पढ़ते भी जाओ MCQ भी देखते जाओ तो ही आपको ज्यादा प्लस पॉइंट मिलने वाला। और फिर जिस भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो एंड में उसके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं आपको। इंडियन हिस्ट्री में हमने गवर्नर जनरल वाला क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ था, अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करेंगे। दो हमने पढ़ लिए थे अच्छे तरीके से, एक वारन हेस्टिंग के बारे में पढ़ा था और सेकंड वीडियो में कॉर्नवेल्स के बारे में पढ़ा था। आज थर्ड जो है इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करेंगे। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इम्पोर्टेंट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करेंगे, पढ़ने ही 6 हैं टोटल, तो 6 में से एक को भी क्यों छोड़े अगर चांसेस एग्जाम में क्वेश्चन आने के, तो इसलिए सभी के सभी 6 को हमने कवर करना है। फिर इंडिया की तरफ चलेंगे इस तरह से, फिर वायसराय वगैरह पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंस आपको पहले ही बताई है। तो हेस्टिंग्स कवर कर लिया हुआ है, रिवाइज कर लेना, अगर नोट्स मिला तो 2 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। कॉर्नवेल्स भी रिवाइज कर लेना, तभी सही बेनिफिट रहने वाला है। आज थर्ड नंबर पे जो थे जॉन शोर, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। टाइम पीरियड था 1793 से लेकर 1798 तक का टाइम पीरियड था। अब गवर्नर जनरल बंगाल आपको पहले ही बता दिया, हालांकि टाइम पीरियड पर इतना कुछ हुआ नहीं था, लेकिन इनके स्टार्टिंग की बात करें, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में जब आए थे यहाँ पर, तो 1768 का कुछ ऐसे का टाइम था, वो राइटर का रोल वहां पे प्ले कर रहे थे। और फिर धीरे धीरे करते जब कलकत्ता वाली साइड में फिर एडमिनिस्ट्रेशन में जबरदस्ती ऐप बिठाया गया कि हाँ देखो यहाँ पर भी काम काज कैसे होता है, इस तरह से इनकी जर्नी आगे चलती है और इन्हें गवर्नर जनरल बंगाल को बनाया जाता है 1793 में कॉर्नवेल्स के बाद। अब इनके टाइम पीरियड पर एक इम्पोर्टेंट एक्ट आया था, चार्टर एक्ट 1793। अब हालांकि मैं आपको जब भी पढ़ाता हूँ बाकी के बारे में पढ़ाता जाऊंगा, इनको डिटेल में नहीं कवर करवाऊंगा, लेकिन हालांकि आज इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, इसलिए चार्टर एक्ट 1793 के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कवर करवा देता हूँ जो उसी टाइम पीरियड पर हुए थे। जैसे इसके इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है 20 साल की और मोनोपोली मिल गई थी, तुम और 20 साल तक वहां पे ट्रेड कर सकते हो। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और जुडिशियल जो डिपार्टमेंट था इन्हें अलग कर दिया था कि ये इसका प्रोसेस अलग तरीके से देखा जाएगा, इसका प्रोसेस अलग तरीके से देखा जाएगा, दोनों का सिस्टम अलग कर दिया हुआ था। गवर्नर जनरल की पावर और इंक्रीज कर दी थी, वोटिंग का मायने रखता था लेकिन अलग से कुछ सर्कमस्टांसेस बनते हैं तो वहां पे अपनी पावर को यूज कर सकते थे, गवर्नर जनरल की पावर्स को इंक्रीज कर दिया था। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ साल पहले बनाया गया था उसकी सैलरी भी अब कंपनी ने देनी है। इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चार्टर एक्ट के थ्रू आए थे और ये चार्टर एक्ट जॉन शोर के टाइम पीरियड 1793 के टाइम पीरियड में बोल रहा हूँ तब सामने आया था। और एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है इस टाइम पीरियड पर, वो कौन सा था, बैटल ऑफ खरदा यहाँ पे लड़ी गई थी, जिसे बैटल ऑफ खरला के नाम खुरला के नाम से भी जाना जाता है। प्रेजेंट डे लोकेशन के हिसाब से जगह महाराष्ट्र में पड़ती है, 1795 में ये हुई थी बैटल। क्योंकि देखो हम जनरली पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्या पड़ता है इस टाइम पीरियड पर, एंग्लो मैसूर वॉर या ये मराठा वॉर वगैरह वो सब कुछ यहाँ पर चल नहीं रहा था, यहाँ पे इनमें आपस में लड़ाई हुई थी। 1795 की बात करूँ, बैटल ऑफ खरदा या बैटल ऑफ खुरला की बात कर लो, यहाँ पे हुआ गया था निजाम और मराठा में आपस में लड़ाई हो गई। तो इससे पहले क्या था, ये दोनों मिलकर एक साथ मिलकर किसी और के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। जब वो लड़ाई खत्म होती है, जैसे टीपू सुल्तान की मैं बात करके चलूंगा, जब वो लड़ाई वगैरह खत्म हो जाती है फिर ये दोनों आपस में क्यों लड़ते हैं जब एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि निजाम पहले एक तरह का टैक्स दिया करते थे मराठास को। जब इन्होंने मिलकर लड़ाई लड़ी वो सिस्टम खत्म हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो मराठास ने फिर से टैक्स मांगना स्टार्ट किया। उस टाइम पर कुछ बातचीत वगैरह हुई जिसकी वजह से लड़ाई का माहौल बन चुका था और यहाँ पे निजाम और मराठा की लड़ाई ही बैटल ऑफ खरदा के नाम से जानी जाती है। ये इवेंट भी जॉन शोर के टाइम पीरियड पर हुआ था। दो इंपॉर्टेंट इवेंट है इस टाइम पीरियड पर, आपको दोनों ही पता होना, जिसको जैसे वेलचले के बारे में पढ़ेंगे आगे वो और इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो पहले दो पढ़े थे वो भी बड़े इंपॉर्टेंट थे।
इस टाइम पीरियड पर यही दो इंपॉर्टेंट इवेंट आपके लिए इनफ रहने वाले, अगर ये दो भी पढ़ लोगे आपके काम आने वाले हैं। तो फिलहाल हिस्ट्री के इस पोर्शन को हम एंड करेंगे, वीडियो को शेयर कीजिए, इस तरह के और भी टॉपिक आपके सामने आने वाले हैं। थैंक यू। डेली बेसिस पे आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स भी आते जा रहे थे। सितंबर 2023 से हमने स्टार्ट करे थे, क्योंकि तो एक हफ्ते से वीडियोस नहीं आ रहे थे, कुछ पार्ट पेंडिंग थे, वो भी कवर कर लेते हैं आज। तो सबसे पहला करंट अफेयर आपके सामने स्क्रीन में हो सकता आ रहा होगा, मैं आपको बोल के भी बता रहा हूँ। असम के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ। इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी जिसका नाम है सरपंच संवाद। तो ये आपको पता हो, जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा सरपंच संवाद जो एप्लीकेशन है ये कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च करेगी, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो असम आपको याद रखना है, हालांकि लॉन्च वहां के गवर्नर ने करी है। अब इसका पर्पस क्या रहने वाला है, किसने बनाई ये एप्लीकेशन, अगर हम बात करें क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है। नाम से पता लग रहा है सरपंच संवाद, यानी कि जो भी सरपंच रहने वाले हैं उनको उनकी ग्रोथ किस तरह से करवाई जाए, उन्हें किस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करें जाए, ये पर्पस रहने वाला है इस एप्लीकेशन का। अप्रोक्सीमेट वहां पे 2.5 लाख के आसपास सरपंच हैं इंडिया में पूरे रहने वाले हैं, और इस तरह से सबको मिलकर काम करना है, ये इस तरह का कुछ पर्पस रहने वाला है। बेसिकली है क्या है, सरपंच संवाद मोबाइल ऐप है, लॉन्च करेगी असम के गवर्नर के द्वारा, यानी कि असम आपको याद रखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने स्क्रीन में चल रहा हो सकता है, जम्मू कश्मीर में एक रेलवे स्टेशन है उधमपुर रेलवे स्टेशन, जहाँ पे इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड भी है, रीनेमिंग कर दी गई है उधमपुर रेलवे स्टेशन के। अब उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम क्या बन जाएगा, कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। वो शहीद हो चुके हैं तो उनके नाम पर जो है ये उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करेगा। फिर से बोलूंगा नाम क्या है, कैप्टन तुषार महाजन जी के नाम पर जो है, जो कि शहीद हो चुके हैं, उनके नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करा गया है। तो इस तरह से आगे चलते हैं, क्योंकि जो आर्मी की तरफ से जो लड़ रहे थे, अटैक हुआ था पुलवामा वाले साइड में, उस टाइम पे लड़ रहे थे ये। फिलहाल आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करंट अफेयर इंपोर्टेंट आपके सामने आने वाला, आंध्र प्रदेश में एक आप मिठाई कह सकते हो, स्वीट कह सकते हो, उसे GI टैग मिला। ये बनी थे राइस चावल की और जागरण गुड़ की, चावल और गुड़ से मिलकर ये मिठाई बनती है, इसे GI टैग मिला है। नाम आपके सामने स्क्रीन में आप देख सकते हो, अत्रेपुरम पोठारे केलू, कुछ इस तरह से नाम है आपके सामने स्क्रीन में, आप इसे देख लीजिए, स्पेलिंग वगैरह देखने देख लो। इसे GI टैग मिला है, आंध्र प्रदेश का है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको पता होना चाहिए। और ये अत्रेपुरम जो आपको नाम देखने को मिल रहा है, एक्चुअली में डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश की, वहां की जो स्वीट है उसका नाम है पोठारे केलू, इस तरह से। तो वो स्वीट का नाम आपको बेसिकली पता होना चाहिए, इसे GI टैग यहाँ पर मिला है। आगे चलते हैं, इतना भी पता जो मिठाई का नाम है, ठीक है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED का नाम आप जनरली सुनते हो पॉलिटिक्स में, या वैसे भी सुनते हो, ED का नाम जनरली लिया जाता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करेंगे, इनके नए डायरेक्टर बनाए गए हैं। अब जो नए डायरेक्टर हैं वो हैं कौन, राहुल नवीन, आपको स्क्रीन में नाम देखने को मिल रहा है, इन्होंने रोल एज्यूम कर दिया है, ये डायरेक्टर बन चुके हैं ED के। और इनसे पहले कौन थे डायरेक्टर ED के, इनसे पहले जो थे वो संजय कुमार मिश्रा थे। तो संजय कुमार मिश्रा का टेन्योर खत्म हुआ, अब नए कौन आए हैं, राहुल नवीन ED के नए डायरेक्टर, ये आपको पता होना। अभी फिर से वैसे ही हो गया था, मैं वीडियो कंटिन्यूसली चलता रहा था, आगे अपने तरफ से बोलता जा रहा हूँ यहाँ पर, और वहां पे जाकर मोबाइल की स्क्रीन में चेक करा तो स्टोरेज फुल है, और मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट की वीडियो भी बनाई थी, अच्छा वो मैंने जाके चेक कर लिया। तो दोबारा से वीडियो कंटिन्यू करूंगा, ये वैसे बताने को पर्पज कुछ फायदा तो है नहीं, बट बताने क्यों बता रहा हूँ मैं। लेकिन आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको मैं लास्ट करंट अफेयर राहुल नवीन वाला कराया था, कि राहुल नवीन जी की बात करेंगे, डायरेक्टर बन चुके हैं ED के। इसके बाद मैं यहाँ पर बात कर रहा था टाइम्स मैगजीन का नाम, आप सभी ने जरूर सुना है, इनकी एक लिस्ट आती है हमेशा वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज वाली, तो वही वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 वाली लिस्ट भी आ चुकी है, जिसमें इंडिया की भी एक कंपनी का नाम है टॉप 100 में, वो कंपनी है इंफोसिस वाली, जो कि बेंगलुरु में हेडक्वार्टर, IT बेस्ड कंपनी है। 64th पोजीशन शायद से इसकी यहाँ पर आई है इंफोसिस की, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि टॉप 100 में एक इंडियन कंपनी है, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा, वर्ल्ड ओजोन डे की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डेज आपको कवर करवाए जाते हैं, उन्हीं इंपॉर्टेंट डेज में सेप्टेम्बर मंथ का 16 सेप्टेम्बर का एक इंपॉर्टेंट डे आता है, वर्ल्ड ओजोन डे, वो तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन इस बार थीम क्या रखी गई थी वो भी आपको पता होना चाहिए, थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि इसी से रिलेट करती है, फिक्सिंग द ओजोन लेयर
एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। एक बार फिर से बोलूंगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, इस बार थीम रखी गई थी ओजोन डे की, वर्ल्ड ओजोन डे की। इसी के साथ आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा। यहाँ पर उड़ीसा के सीएम यानी कि नवीन पटनायक जी की बात करेंगे, स्कीम लॉन्च करी, स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। अब इस स्कीम का पर्पस के बाद फिर से बोलूंगा, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, इस स्कीम का पर्पस है कि वहां के जो भी मदर्स हैं, जो भी लड़कियां, जो भी बच्चे हैं, उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा किया जाए, तो इसीलिए उड़ीसा के सीएम ने ये स्कीम लॉन्च करी है। इसी के साथ आगे चलते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की बात करेंगे। हरियाणा के सीएम आपको पता है मनोहर लाल खट्टर जी हैं, इन्होंने लॉन्च करे एक नया पोर्टल जिसका नाम है ई भूमि पोर्टल। इस पर्पस ई भूमि समझ रहे हो ना, तो भूमि यानी कि जमीन की बात करी जा रही है। पर्पस क्या होगा, जो भी जमीनें खरीदनी है वो गवर्नमेंट पर्पसेस के लिए, जमीन खरीदारी पे जो भी जमीन लेनी है वगैरह, उसके लिए प्रोसेस और इजी बन जाए, इसीलिए ये ई भूमि पोर्टल जो लॉन्च करेगा, इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। आगे चलेंगे, एक और इम्पोर्टेंट डे नेशनल इंजीनियर्स डे सितंबर 15 को सेलिब्रेट करा जाता है, और इस बार जो थीम थी वो थी इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इस बार थीम रखी गई थी, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट से आपके सामने करंट अफेयर आ रहा है। मास्टर कार्ड इंडिया ने अपॉइंट कर दिया है रजनीश कुमार जी को अपना नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, तो यानी कि किसमें किसकी बात करी जा रही है, मास्टर कार्ड इंडिया की बात करी जा रही है। मास्टर कार्ड इंडिया ने अपना नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट करा है, और किन्हें अपॉइंट करा है, रजनीश कुमार जी को, ये पहले SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ रह चुके हैं, इन्हें मास्टर कार्ड इंडिया ने अपॉइंट करा, अब आपको इतना भी पता होना चाहिए। आगे चल लेते हैं, और भी दो तीन शायद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे। हाँ बिल्कुल, जर्मनी ने यहाँ पर सर्बिया को हरा दिया है, पहली बार फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप जो हुआ है उसमें जर्मनी ने टॉप करा है, हराया किसको था, सर्बिया को, तो ये आपको पता होना चाहिए, 19th एडिशन था ये वाला। आगे चलते हैं, उसी के साथ RBI की बात करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे, इन्हें रीअपॉइंट करा है संदीप बख्शी जी को MD और CEO, किसका, ICICI बैंक का। तो ICICI बैंक का नेक्स्ट 3 साल के दोबारा से MD और CEO बनाया है, किसे, संदीप बख्शी जी को, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ आज जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे उसका सेशन भी एंड होता है। उम्मीद कर तो आपको सही लगा होगा, आप वीडियो को शेयर भी करोगे। करूंगा वीडियो एंड करने से पहले छोटा सा होमवर्क आपको मैं दे रहा हूँ, वैसा कह सकते हो, ये आपने मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें टोटल कितनी ट्राइंगल आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि आने वाले टाइम पर आपको काउंटिंग का फिगर भी करवाऊंगा, तो आप पर आपको बताऊंगा इस तरह की क्वेश्चन को किस तरह से आप जल्दी सेकंड्स में कर सकते हो, सेकंड्स में काउंट कर सकते हो। बट जिसको ट्रिक वगैरह नहीं पता है वो जनरल वे में काउंट करो और बताओ ये जो फिगर आपको देखने को मिल रही है इसमें टोटल कितनी ट्राइंगल आपको देखने को मिल रही है, 27, 23, 29, 25, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर चाहिए। इस फिगर को चाहे अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लो, किसी पेज में ड्रॉ करो, काउंट करना स्टार्ट करो, कैसे भी करो, मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए कितने फिगर रहने वाले, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बता दूंगा। और फिलहाल ये बोलूंगा आज के इस वीडियो को एंड करूंगा, वीडियो को शेयर कीजिए, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए, वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर जाके देखो वीडियोस का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, धीरे धीरे करते कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं वीडियोस अपलोड करता जा रहा हूँ। आपसे यही उम्मीद करूंगा, वीडियो को शेयर करो, सबको बताओ कि कंप्लीट कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाके आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। और साथ ही साथ जो परफॉर्मेंस टेस्ट है या कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना, जो भी आप पढ़ते जा रहे हो उसके टेस्ट वहां पर होते रहेंगे। और साथ कोई और भी कोर्स ज्वाइन कर रहे, VLW का है, वाइल्ड लाइफ का है, फॉरेस्टर का है, उन सभी के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहां पर जाके भी ज्वाइन कर सकते हो। प्लेलिस्ट बनी है वहां पर, और भी कई तरह की प्लेलिस्ट है, वहां पर जाके बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। किसी तरह का अगर आपको अपडेट चाहिए, जॉब अपडेट चाहिए, या कोई जम्मू कश्मीर साइड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है, कोई भी स्कीम आती है, उसके लिए इंस्टाग्राम में आपको हमें फॉलो करना होगा, JK Latest Info के नाम से इंस्टाग्राम है, वहां पर जाके फॉलो कर लो, 1 से 1.5 मिनट की रील बनती है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे वहाँ पे शेयर करी जाती है। अप्रॉक्सीमेट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ सितंबर के मंथ में, 35,000 के करीब करीब वहाँ पे फॉलोअर्स हैं, इतने लोगों ने वहाँ पर ज्वाइन करा हुआ है, वो वीडियोस देखते हैं, आप भी जाके देख सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में मिलेगा।
थैंक यू एंड जय हिंद।